आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य को तेसरो दिन तेसरो अयी श्रवण कर दस अथ अधिमास वैकुंठ प्राप्णाख्य तृतीयध्याय ओम शाताम भुजगसयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिभरध्यान गम्यम वंदे विष्णु भगवयहर सर्वोकनाथम ओम अथ ऋष्य उचु नारायणो नरसखा यदुवाच शुभं वचः नारदाय महाभाग तन्नो वद सविस्तरं श्रुत उवाच रम्यं श्रूयतां द्विजसत्तमाः यदुक्तं नारदायैतत् प्रवक्ष्यामि यथा श्रुतं श्रीनारायण उवाच शृणुनद वक्षा यदुक्त हरिणापुरा राजे युधिष्ठिराम श्रीकृष्ण न महात्मना एक धाको राजतशत्रुर्युधिष्ठि द्यूते पराजि दुस्चाश्रेसल प्रिय सम्निसंताधर्म परायण दुस्शासस दुष्ट कचिस्वादा कर्शिता आकष्टा चवा सांसि श्रीकृष्णन सुरक्षिता पश्चाद्राज्यम पितज्य प्रयाता काम्यकनम क्लेशम पाथव्यफलासीन विश्व क्वचाचिता सर्वे राजा इव राजनौकस अथ तान् दुखिता द्रष्टु जगाम काम्यकवन मुनि पर तम सुतस्थुर देहा प्राणा निवागता पार्थ संबिरे प्रीतिया श्रीकृष्ण प्रेम व्यूहला ते चानी नमता भक्तियायम हरिपदाबुजे द्रौपदी तम नाशु शन शन अतंद्रिता दृष्ट्वा दुखितान पार्थन रौरवाजिन वाससह धूलिर्धूसरा रुक्षा सर्वत कच संयुता तनुंगी तीं दुख संबृता दुखमतीबोर दृष्टिवातीब दुखिता धादराष्ट्र दग्धु कामो भगवान्क्त वत्सल चक्रे कोप स विस्वात्मा भ्रूभंगकुटिलेक् कॉटिकालरालाय प्रलयावोत्थि संदस्तौपुट प्रौचे त्रिलोक्य ज्वलन सीताभियोगसादासथा तमालोक्य तीरो विभत्सुर्जात भी उत्थाय उत्ष्ण तुष्टाब बद्धाजलिपुटम भिया धर्माता शीघ्रम द्रौपद्या चापर अर्जुन उवाच हे कृष्ण जगता हम जगद्बि तमेव जगतां पाता मां कथं प्रभो यच्चक्षु पातने नैव ब्रह्मणः पतनं भवेत् किं तत्कोपेन न भवेत् कोवित्ति वेत्ति किं भविष्यति क्रोधं संहर संहर्तस्तात तात जगतपते तद्विधानां चकोपेन जगतः प्रलयो भवेत् वन्दे त्वां सर्वतत्त्वज्ञं सर्वकारणकारणं वेदवेदांगबीजस्य बीजं श्रीकृष्णमीश्वरं तमीस्वरो सृज सर्व जगदेतचराचर सर्वंगलमांगल्यम बीजरूप सनातन सकथम स्वकृत हन्यामेकाध मसकान्स्म सात्कर्तुम को बाहति मरम श्रीनारायण उवाचित विज्ञाप्य श्रीकृष्ण फागुन परवीरहालिपुटो भूत्वा जनार्दनं श्रुतौ वाच हरिक्रोधं निरस्यासु सौम्यो भूचन्द्रमा इव समालक्षितदा सर्वे पाण्डवाः स्वास्थ्यमागताः प्रत्युत्फुल्लमुखाः सर्वे प्रणेमुः प्रेमविहलाः श्रीकृष्णं पूजयाञ्चक्रुर्वन्यैर्मूलफलादिभिः श्री नारायण उवाच तत प्रसन्न श्रीकृष्ण शरण्यं भक्त वत्सल विज्ञाया वन तो बृहत् प्रेम पिप्लुत बद्धाजलिगुड़ाकेशो नाम नाम पुनः पुनः तम तथा कृतवान् प्रश्न यथा पृछति यं भाव भगवान् दद्यौ मुहूर्त मनसा हरि ध्यावा स्वास्थ्य पांचाली धृतव्रता प्रसन्न वदन कृष्ण उवाच रह उचवद्रेष्ठ पांडवा राजन वचवाच शृणुराजन्म्हाग बिवत्सोथ मदवच अपूर्वय कृत प्रश्नो नोत्र वक्त मुत्सेसुह्य लोके ऋषिणी दुर्घट तथा विवक्षे मित्र तबाजुन तदुतरमतीबग्र क्रमतः शृणुसुब्रता मध्वादय मासा ये मासबपक्षास्डीका या मास्त्रिया मारितबो मोहरतान्ययनेयुभे आयनम् जयुगान्यबं परार्धान्ताह परेचये न कूपाः बापी पल्लव निर्झरा लतौ सदी द्रुमाश्व त्वक्सारा पादपाश वनस्पति पुराग्राम गिरय पत्तना चे सर्वे मूर्तिमंत पूज्य स्वात्मनो गुण न तेषा कश्चिदप्यस्ति यूर्व स्वामी वर्जि स्वयस्वेधिकारे सततम पूज्य फलदायिन स्वस्मी योग महात्म सर्वे सौभाग्यशालीन अदिमास कदाचि पांडुनंदन तमूचु सकला लोका असहाय जगुपित अनर्हो मलमासोय रविसक्रमर्जि अस्पृश्यो मलूप्वात्शु कर्मिगर्ुत्व तदसन लोकान्दोग गो हत दुख्वान्तोत्ति चिंताग्रस्तक मुमूर्शूरभवत्न हृदय नदूयता कि कर्तव्य विमूढ़ात्मा नोपता पश्चाधर्य सलंब्य मसौ शरण ग अमूल्यरत्नरचिते प्राप्तो वैकुण्ठभवनं यत्राहमवसं नरः अन्तर्गृहं समागत्य मामसौ दृष्टवान् परम् अमूल्यरत्नरचिते हेमसिंहासने स्थितं तदानीं मामसौ दृष्ट्वा दण्डवत् पतितो भुवि प्राञ्जलिः प्रयुतो भूत्वा मुंशन अश्रूणी नेत्रतः वाचा गदगदया सौम्यं बभासे से धैर्य मुदबन सूत उचितुक्त बदरीनाथो बीरराम महामुनि तत्सुवा पुनरेवाह नारदोभत्सल नारद उवाच इत्थम् गत्वा भवनममलं पूर्णरूपस्य विष्णोर्भक्तिम् प्राप्य जगदगहरं योगिनामप्यगम्यम् यत्रैवास्ते जगदभयदो ब्रह्मरूपो मुकुन्दस् तत्पादाब्जं शरणमधिगः सोधिमासः किमूचे। इति बृहारदीयपुराणे पुरषोत्तम मस महात् आदिमास वैकुंठपापण नाम तृतीय सक्र किटकुंडल सपीतवस्त्र सरसीहेक्षण सहार वक्ष स्थल कौस्तं नमा विष्णु शिसा चतुर्भुज ओं शाति ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः